सबसे पहले लेते हैं बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मान लीजिए किसी ने कहा ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए के से ना, माने हमारे पास के कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है ना, ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए के आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है भाई। इससे पहले कि आप इसमें आपकी बात ही खत्म हो जाए, मैं ऐसी कोई बात कह दूं कि आपके पास में दो ही चॉइस हो, या तो आपको मेरी तरफ देख के समझ में आए या किसी और की तरफ देख के भूल जाए, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चले कि हुआ क्या। इतनी इवेंट्स को एक साथ दिखाना और मामले को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना और एज वेल एज एग्जॉस्टिव रखने का मतलब समझाता हूं। एग्जॉस्टिव रखने का मतलब होता है कि सब मिलाकर के मेरे को ये वापस डब्बा दे जाएगी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक की सीमा जो है वो दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगी, सब अपने अपने दायरे में है लेकिन कोई किसी पे ओवरलैप नहीं मार रहा, देन वी कॉल इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक का होना दूसरे पर टच नहीं करेगा, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं आना चाहिए, तब हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और मुझे अगर ऐसी इवेंट दिखानी है तो बहुत सिंपल है, क्या आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई है कि नहीं, तो कुल मिलाकर क्या कर देखा था, दीज आर नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, उनके नाम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सही है, और ये ए के इस तरह से सही है, कुछ अपन यहां पे लिख लेते हैं ए सिक्स सही है ए सेवन ए एट और ये वाला ए के ले रहा हूं मैं सही है। अच्छा अब क्वेश्चन के अंदर अगर बाय द वे देखा जाए इतनी इवेंट घट रही है, सुनो सुनो सुनो, इतनी इवेंट होने के बाद अंदर भी एक इवेंट कॉमनली सब में हो जा रही है, अगर एक इवेंट कॉमनली सब में हो रही है जिसमें सबका रोल है तो उसको दिखाने का तरीका ये रहा, दिस इवेंट हैपनिंग इज ए, ये देखो सब में हो रही है, गौर से ये वो इलाका है जहां पे ए थ्री भी हुआ और उसमें ए इवेंट भी हुई, ये वो इलाका है जहां पे ए फोर भी हुआ, ये हिस्सा दिख रहा है आपको जहां पे ए फोर भी हुआ और एक इवेंट भी घटी है ना, तो इसका मतलब ये कि इन केस अगर मेरे को जरूरत पड़ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सही है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जोड़ूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे जोड़ते जोड़ते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ए, क्या ये बात सही है, और मुझे पता है सब मैं सबको जोड़ लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन वन, इट मस्ट बी इक्वल टू वन, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी को तो एक होना मांगता है, किसी भी एक चीज की एक प्रोबेबिलिटी को तो ए से ना तो मैं एक से ज्यादा कर सकता ना मैं एक से कम कर सकता, उसको तो एग्जैक्टली वन होना चाहिए। अच्छा अब अगर आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई तो मैं आपको इसी बात पे यहां से बात छेड़ता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि ए के होने की टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, ए वन घटे तो ए हो जाए, ए टू घटे तो ए हो जाए, ए थ्री घटे तो ए हो जाए से लेकर ए के घटे तो ए हो जाए, ये सब जोड़ दो दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब जोड़ने के बाद जो आ गया वो क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, इतना तो अपने को भी समझ में आता है ना, तो अपने को ये पता चलता है। अब ये हमारे को क्या करना है ना, हमारे को तो सिर्फ इतना मैंने कहा ना जहां थ्योरी पार्ट आ गया ना वहां आपको बस पहले तो समझना है कि हाँ बराबर, अभी तक तो कोई ऐसी लाइन नहीं बोली जो मेरे भेजे से ऊपर निकल जाए, ठीक है, रही बात क्वेश्चन की तो रेस्पेक्टिव अपने आप आते रहेंगे, ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना पी ए वन इंटरसेक्शन ए, अगर आपको याद हो तो अच्छा लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए वन, अब मैं रोकना चाहूंगा इस जगह पे क्योंकि मेरे को यह पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए घटना घट गई उसके बाद उसमें ए के होने के चांसेस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन व्हेन ए इज अकर्ड, जब ए हो चुकी है, नहीं हम तो ए के होने की तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, ए कैसे हो गई, आपको मेरी बात नहीं समझ में आई, आप इस जगह मेरे को टोको कि सर आप तो ए के होने की तो प्रोबेबिलिटी निकाल के ला रहे हो और आप ए हो गई, और ए कैसे हो गई, नहीं यही समझ में, हाँ वो तो ए वन के घटने के बाद उसमें से कहीं ए आएगी ना, नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या लिख रहा हूं, तो इट मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, पहले तो ए घटे और ए वन के घटने पर
ए आए, आया, ऐसे उठाना है आपको हर बात को। दूसरी बात क्या, फिर ए टू घटना घटे और फिर ए टू के इवेंट के होने के बाद है ना ए का होना हो जाए, राइट है, और डेट डैश इट इज अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इवेंट एंड ए। क्या ये बात समझ में आई, दैट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं है, बस सिंपल इसको कॉपी कर ले हम, ठीक है, क्योंकि जितना आपको समझ में आएगा उतना खराब करेगा। ठीक है, A1 हुई और A1 के होने के बाद A का होना, इसमें लिख लेना A इवेंट हैपन्स इन ऑल, लिख जरूर लेना आप, A इवेंट हैपन इन ऑल A1, A2, A3 to AK। हाँ भाई, नेक्स्ट इसी के अंदर ले रहा हूं बेस थ्योरम। देखिए साहब, लोग अक्सर इसमें यही गलती करते हैं, सीधा बेस थ्योरम पिला देते हैं। बेस थ्योरम आपको बाद में पता चलेगा, बेस थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी के आने के बाद ही आप बेस थ्योरम बोलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को तुरंत लगेगा बेस थ्योरम आ गई उसके सामने। देखिए साहब, अगर मैंने बोला बेस थ्योरम तो जरा देखिएगा बेस थ्योरम का क्या केस है। बेस थ्योरम कहती है कि स्पेसिफिक इवेंट, देखिए ए इवेंट इज हैपनिंग इन ऑल, ए इवेंट सब में हो रही है, सारी घटनाओं में एक इवेंट ए भी घट रही है, सही है ना। वो कह रहा है उस घटना के घटने में, वो तो हो रही है, ए तो हो ही रही है ना सब में। ए अगर घट गई है तो बताओ A3 की क्या प्रोबेबिलिटी थी, A3 की क्या प्रोबेबिलिटी थी कि A3 के कितना केस था, कितना वेटेज था, नहीं आया। या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट A5 की क्या प्रोबेबिलिटी थी, घट तो वो सब में रही है लेकिन A5 का कितना पोर्शन था। हाँ, ए घटना के घटने में, ए जैसे ये तो देखते ही बनता है ना कि A4 इज लिटल बिट स्मॉलर देन टू द A5, तो ऑब्वियस बात है द प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 विल बी लेसर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A5 इन हैपनिंग इवेंट ए। ए घटना के घटने में A5 का हिस्सा बहुत कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा और A4 का कम होगा, तो इसका मतलब यह कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वलाइज एवरी टाइम। आपको बात समझ में आई, दैट्स व्हाट बेस सिग्निफाइड, उसने क्लियर करा इस बात को, ही मेंशनड इट, ठीक है ना। दैट पहली चीज वो बोला कि इवेंट ए इज हैपनिंग इन ऑल A1 A2 टू AK, सही है, वो सब में हो रही है, ठीक है ना। सेकेंड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट, कौन सी पार्टिकुलर इवेंट है ना, से A4, सही है। Is, अब अगर देखा जाए, देखो जरा इसका, इसको अगर देखा जाए, देन इट विल बी नोन एज A4। ए घटना के घटने पर A4 की क्या प्रोबेबिलिटी थी, क्या कोई बात समझ में आई। इट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू PA, ए हो चुकी है, आप टोटल प्रोबेबिलिटी लेके आए हो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ब्लूइश, ये जितना मैं सब ले आऊंगा, दिख रहा है आपको, जितना मैं सबको लिखा है, इसको लिखते मैं PA ले आया, और PA के अंदर वो हिस्सा जो A4 और इन दोनों के बीच का था, दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन A, क्या आप ये बात समझे, दैट इज द पोर्शन, एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ A4 इन हैपनिंग ऑफ A, सही है। तो इसका मतलब जैसे मैं ऐसे करूंगा, आप में से कई लोग तुरंत टोकेंगे, देखो कि PA का मतलब वो लिखो सर सारा, अगर आप PA के टाइम पे वो लिख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1
और फिर A1 के होने पर A का होना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, फिर B2 के प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है, फिर A2 के होने पर A का होना, एंड सो ऑन अप टू द लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ AK एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AK के होने पर A का होना, सही है। उसमें मैं किसको ऊंचा कर दूं? इस वाले को, है कि नहीं? क्या, लेकिन आप में से कोई जानता है कि आपको याद हो तो GMT जनरलाइज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, वो मेरे को इजाजत देती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इज टू A, क्या याद आया आपको? वही तो लिखा है मैंने। और एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो लेडी के पर्स में 122 बार टोटल इवेंट घटी, जिसमें 35 बार फर्स्ट कंपार्टमेंट से सिक्का आया, तो आपने उसको ऊपर कर दिया, नहीं याद आया? यदि आपको याद हो तो आज ही के दिन पे 4 फेयर डाइस में से 3 तो फेयर थी और एक अनफेयर था, अनफेयर वाले को आप कर दिया, या आपने वही तो करा है। आप इसको देखो तो सही, आगे A2 के बाद A3 आएगा, फिर A4 आएगा, आपने A4 वाले को तो उचका दिया, इसका नाम बेस तो करते जा रहे थे, लेकिन जब आपने इसको नाम से पढ़ा और ये सब देखा, इन सबके दर्शन करे तो पता लगे अरे गंदी बात है कुछ, है ना। अब आगे चलता हूं, पहला टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन सिलेक्टेड ईयर, किसी भी साल में अचानक से 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सही है। अब मैं कह रहा हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ लीप ईयर, एंड लीप ईयर होने के बाद संडे का आना, पहले तो लीप ईयर का होना, फिर लीप ईयर के बाद में 53 संडे आना, नहीं आई बात समझ में? या फिर क्या, फिर लीप ईयर का होना, माने मेरे को पता नहीं, लीप ईयर के उल्टे को लीप ईयर ही बोलते होंगे, ठीक है ना, नॉन लीप ईयर है कि नहीं? इट इज अ नॉन लीप ईयर, सही है। और नॉन लीप ईयर होने के बाद में भी, ठीक है, नॉन लीप ईयर हो गया और उसके बाद में किसका आना? 53 संडे का आना, क्या आपको बात समझ में आई? अब रही बात लीप ईयर के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/4, चार साल में एक बार आता है, और फिर चार साल में एक बार लीप ईयर आ गया तो उसके बाद में उस पर 53वां संडे 2/7, याद है ना, क्योंकि 364 दिन, 364 दिन तो 52 हफ्ते में निकल गए, तो बच्चे 2 दिन उसके साथ केस बनाए थे, याद है? अब आते हैं नॉन लीप ईयर आने के चांसेस, 3/4, भाई 3/4 चांसेस है, और फिर 3/4 के बाद में 1/7, क्यों 1/7? क्योंकि अब की बार एक ही दिन बचा, 364 दिन तो 52 हफ्ते खा गए, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन बचा, एक दिन पे आपके पास 7 केस हो सकते थे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, 7 केस में से संडे वाला केस एक ही है, इसका तो 1/7 आया, इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आइएगा अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा, सही है, आता हूं धीरे धीरे आपके बेस थ्योरम पे भी आऊंगा। भाई हमारे पास में 3 बैग हैं, B1 B2 B3, उनमें रेस्पेक्टिव बॉल्स की सिचुएशन ये है जो मैंने अभी बताया आपको। अब हमने इन बॉल बैग में से बॉल निकाल लिया और लाल गेंद आ गई साथ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से आई है? सही है। अब जरा इसको भी समझते हैं, अब आप में से किसी को अगर पता चले तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गई है,
और आपको निकालना बी टू के होने के चांसेस। तो मैं आपको पहले तो बताता हूं कि इसका इट इज इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल ओवरऑल, फिर रेड आ गए ठीक है और बैड टू बी हो, अगर ढंग से बताऊं तो। अब आप इस पर पूरा दिमाग ही मत लगाओ, आप तो छोड़ दो इस पर दिमाग लगाओ। एक बॉल के तीन बैग में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताता हूं। पहली बात तो बैग वन उठाए इसके चांसेस वन थर्ड चांस है इसके। अच्छा उसमें भी रेड आने के चांसेस 4/7 है, सही है। अच्छा सेकंड बैग को उठाने के 1/3 इंटू 5/9 प्लस अगले वाले का 1/3 इंटू 2/9 सही है क्या। इसमें से बैग टू के चांसेस कौन से वाले हैं, बीच वाले, इसको ऊंचा कर दो बस आंसर आ गया। रेड बॉल तो नीचे आ गई और उसमें ब्लैक बॉल और रेड बॉल वाला एक ही केस था, उसको आपने हटा लिया अलग कर दिया। अगले क्वेश्चन में आता हूं। बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, भैया 52 पत्तों में से एक कार्ड घूम गया है और बचे हुए पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया है, तकदीर से जो निकला कार्ड वो राजा निकला, तो कहता बताओ साहब जो घूम हो गया वो भी राजा था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सही है, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग उस पर बात कर लू पहले मैं आपसे। राजा कब कब आ सकता है, सुनो राजा कब कब आ सकता है, अरे सुनो ना, राजा कब कब आ सकता है, जब जो गुम हुआ वो राजा हो, सही है, जो गुम हुआ वो राजा हो, बात समझ में आई, और जो निकला वो भी राजा आ जाए। नहीं आया, गुम हुआ राजा और निकला राजा, या क्या हो सकता है, गुम हुआ कोई और निकला राजा, सही है, यही तो दो केसेस हो सकते हैं, और जो निकला वो राजा। अच्छा देखो गुम हुआ पत्ता राजा था, इसके चांसेस 4/52, जो गुम हो गया वो एक पत्ता राजा था, इसके चांसेस 4/C1/52। अच्छा और फिर जो निकला 3/51, सही है भाई। अच्छा जो गुम हुआ वो कोई और 48/52, अरे 48/52 राजा तो नहीं गुम हुआ ना, लेकिन जो निकला वो राजा 4/51, ये तो राजा के आने की प्रोबेबिलिटी। अब कहता राजा आ गया ना, अब तो आप बताओ राजा आ गया तो ये पक्का करो कि जो गुम हुआ वो लॉस्ट जो था ना वो किंग था, तो इसमें से कौन सा केस, ये तो टोटल केस हुआ ना, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हुई ना, तो इसका मतलब 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 3/51 प्लस 48/52 इंटू में 4/51, इसमें से कौन सा, फर्स्ट या सेकेंड। अच्छा फर्स्ट, इसका तो 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 3/51 सही है, बस ये है आपकी बेस थ्योरम चल रही है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, सही है ना। अभी तक तो देखो मैं आपको लड्डू 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 क्वेश्चन ही कराए जा रहा हूं। क्वेश्चन है ए पर्सन स्पीक्स ट्रुथ इन थ्री केसेस आउट ऑफ फोर,
ही सिलेक्ट अ कार्ड एंड सेज दैट इट इज अ क्वीन. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज क्वीन. भैया अगला जो है चार में से तीन जगहों पर सच बोलता है, ठीक है, और एक पत्ता चुनता है और कहता है कि उसके पास रानी है. क्या प्रोबेबिलिटी कि वाकई में उसके पास रानी ही थी? अब आप उठाओ इस क्वेश्चन को, स्वयं ट्राई मारो आप, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल. पहला वो सच बोला, दूसरा वो झूठ बोला, फिर उसमें से जो सच बोला या झूठ बोला किसी केस को ऊंचा करना है. करो 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 फटाफट वाला. कितने लोगों का आ गया? अरे वाह क्या बात है. देखो साहब चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी बताता हूं क्या है. सच बोला नहीं, पहला सच बोला, सच बोला उसके चांसेस 3/4. सच बोला तो यही बोला ना कि मेरे पास रानी है, तो इसका मतलब ये कि उसके रानी होने के चांसेस क्या, 4/52. सही है. और झूठ बोला तो 1/4, इसका मतलब 48/52, क्योंकि उसके पास रानी नहीं थी तभी तो झूठ बोला कि अरे कोई ये कि उसके पास रानी है और फिर वो झूठ बोल गया कि रानी है, फिर झूठ कहां बोला, फिर तो सच बोला. नहीं है आपके समझ में, तो अगर देखा था तो हो गया सही है, यही आएगा जो भी आएगा. कितना बता रहे आप लोग, 1/5 आ रहा क्या? अच्छा हाँ, अब इसमें आपको क्या प्रोबेबिलिटी की उसके पास क्वीन, हाँ हाँ ही हैज अ क्वीन, इसका मतलब मेरे को उल्टा वो सच वो बोल चुका है ना ना. इट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेज इट इज अ क्वीन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ क्वीन, ठीक है ना. सच वो बोल चुका है, ये जो प्रोबेबिलिटी है क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी है. हाँ तो क्वीन नीचे, सच बोला और क्वीन है, सही है, क्वीन ऊपर और सच बोला है, सही है ना भाई. तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो टोटल प्रोबेबिलिटी 3/4 × 4/52 प्लस में 1/4 × 48/52, और इसमें सच वाला इलाका ये रहा 3/4 × 4/52. आगे तो आप संभाल ही लोगे, सही है ना, जैसा आपने बताया सही है ना. कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा आसिफ बना, मेरे को भी अच्छा लगा, ठीक है ना. अगले क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना. चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा, मिस्टर ए राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड बी and give to his son to post it. Mr. A writes a letter to his friend B and give to his son to post it. The reliability of his son to post is 3/4. The reliability of his son to post is 3/4. आगे लिखिएगा probability of posted letter get delivered is 8/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टेड लेटर गेट डिलीवर्ड इज 8/9, सही है. आफ्टर टू डेज मिस्टर बी कॉल्स टू मिस्टर ए एंड टेल दैट लेटर नॉट रिसीव्ड टू हिम, फाइंड प्रोबेबिलिटी
दैट सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर. सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर. ठीक है, इसका मतलब बी को पता चला है कि उसके पास लेटर डिलीवर नहीं हुआ है. ठीक है, तो अपने को क्या निकाला है? अगर अच्छे शब्दों में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नहीं, नीचे दो पोस्ट नॉट डिलीवर, ऊपर छोरा हराम खोर. ठीक है, ठीक है, बाद मिला मिला के मारे गड़बड़ कर दी तेरा वे है. अभी फोन आया मेरे पास, निकाल लो क्या? करो 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 करो, बताओ सी इसका. अरे बाय तो भी ले लेते ना, मैं तो तुरंत आपसे पहले बाय ले लूंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ साहब, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी कि डिलीवर ही नहीं हुआ, इसका क्या चांसेस है? डिलीवर नहीं हुआ इसका क्या चांसेस? लड़के की रिलायबिलिटी, एक से लड़के की रिलायबिलिटी 3/4, लड़के ने गड़बड़ करी 1/4 और उसके बाद नहीं पहुंचा 1, डालेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? क्या? अरे 3/4 चांस है कि छोरा नहीं डाले, डाला ही नहीं तो पहुंचेगा भी नहीं. ठीक है, अरे जाएगा ही नहीं ना, जो डाला ही नहीं वो जाएगा कैसे, वो लेटर कैसे जाएगा? अगला क्या है? 3/4 चांस है कि वो डाल दे और फिर, ठीक है, हाँ, लफड़ा कर दे डाकिया. नहीं है इसमें अपन किसको ऊंचा कर दें? मुझे नहीं पता, आप लोगों ने बोला है 8/9, 1/9 करना है क्या? अच्छा, लेटर के डिलीवर होने के 8/9 और लड़के डाके ने गड़बड़ करी 1/9, सही है. अब इसमें आप ऊपर कर दो, आप किसको? 1/4. कितना सिंपल क्वेश्चन है, सही है ना? हाँ, अब अपने पास सिर्फ एक दिन का मटेरियल है लगभग, मान ले अपन, क्योंकि कल के दिन हम लोग बेस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे. देखो, मैंने आपको कहा था ना, बेस थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नया सीखो, लेकिन चीजें बड़ी मस्त चलती है इसमें. इसमें क्या, एक साथ आती है तो थोड़ा डर लगता है. अच्छा, अब आप कल के दिन भी गड़बड़ करके ला रहे हो या पढ़ के आ रहे हो? एक्सरसाइज 1-2, एक्सरसाइज 1-2. अरे आप तो वो भी कर लेना, सीपीएस प्रथम, 3 तो कर लेंगे कम से कम.